नमस्कार सकाल अपडेट खबर सह प्रथम खबर को स्वागत करुच्छे मन शक्ति बुलेटिन को आगे नवा कि प्रथम देखने कौन रही हेडलाइंस। अमेरिका वाशिंगटन में शुभिला मोदी मोदी आज व्हाइट हाउस रे अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को भेटे प्रधानमंत्री बैठक में उठी पारे चीन और आफगानिस्तान प्रसंग भारत अमेरिका समेत पूरा विश्वर रही नजर। वाशिंगटन डीसी में मोदी को स्वागत जनइले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस कोरोना महामारी समय मोदी नेतृत्व कले प्रशंसा कमला को भारत आसवा को निमंत्रण कले प्रधानमंत्री। दिव्यांग अक्षम वरिष्ठ नागरिकों खुशी खबर एणिक आज जवाक पड़े टीकाकरण केन्द्र घरे कोरोना टीका दिजा नहीं गाइडलाइन जारी कले केन्द्र सरकार खूब शीघ्र जारी हो एसओपी। आज पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर सृष्टि होपे लघुचाप प्रभाव में 26 और 27 तारीख में प्रबल वर्षा आशंका तीन दिन पर विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। महिला समावेश ना षड्यंत्र ओडिशा माटी रे पुणी आंध्रर दादागिरी कोटिया आंध्र अधिकारी द्वारा महिला समावेश बैंक ऋण सह रोजगारक्षम करार प्रतिश्रुति सामिल हेले शताधिक महिला। ओडिशा गस्तर आसुचार सुप्रीमकोर्ट प्रधान विचारपति संध्यार भुवनेश्वर विमानबंदर में पहुंचे पुरी में रात्रि रहणी सह आसंता सका श्रीजीवं दर्शन करेंगे विभिन्न न्यायिक कार्यक्रम में जोगदेवे सीजेआई। उज्जीवित हो लुप्त परंपरा गंजाम कंडे यात्रा कहानी को मिली अंतर्जातीय टूरिज्म सिने फेस्टिवल रे सम्मान नेशनल टूरिज्म फिल्म अवार्ड पाई 70 मिनिट्र एक प्रामाणिक चलचित्र। तीनदिनिया अमेरिका गस्तर जाई पहुंची गतकाली प्रधानमंत्री मोदी जो गस्त उपरे केवल भारत की अमेरिका नुहे सारा विश्वर नजर रही बुलेटिन आरंभ करवा संपर्कित खबर रु अमेरिका माटी रे मोदी मोदी नारा कोरोना महामारी काल रे तीन दिन अमेरिका गस्तर जाइछन्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन राष्ट्रपति हेबा परे हा मोदी प्रथम अमेरिका गस्त कोरोना महामारी और अफगानिस्तान ने तालिबान रो कब्जा परे मोदी गस्तर गुरुत्व बढ़ी जाइछि। आज व्हाइट हाउस रे अमेरिका राष्ट्रपति को भेटिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक रे चीन और अफगानिस्तान प्रसंग रे उभय नेता आलोचना करि पारन्ति। ए बैठक उपरे भारत अमेरिका समेत पूरा विश्व रो नजर रहिछि। अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान प्रधानमंत्री योशिदे सुगा को साक्षात करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाशिंगटन डीसी में मोदी को स्वागत जनाइले भारतीय वंशोद्भव तथा अमेरिकार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस कोरोना महामारी समय प्रधानमंत्री नेतृत्व प्रशंसा करते कमला पीएम मोदी कमला हैरिस प्रशंसा करने भारत आसवा को निमंत्रण कर पूरा विश्वपाई कमला प्रेरणा होता मोदी से ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन द्विपाक्षिक बैठक में भारत ऑस्ट्रेलिया मध्य आर्थिक व्यक्तिगत संबंध को अधिक दृढ़ करने नहीं आलोचना होती। जापान प्रधानमंत्री योशिदे सुगा को साक्षात करते प्रधानमंत्री विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। सप्लाई चेन की मजबूती, नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि है, यह क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष प्रायोरिटी के हैं। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय प्रवासी हमारे देशों के बीच मित्रता के सेतु हैं। अमेरिका और भारत की अर्थव्यवस्था और सोसाइटीज में
इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। गतकाली वाशिंगटन डीसी ग्लोबल सीईओ मीट रे जोग देथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए क्वालकम आडोब जनरल अटोमिक्स फर्स्ट सोलर ओ ब्लैकस्टोन भली विश्वस्तरीय संस्थार सीईओ मानक सह आलोचना करिसेंते प्रधानमंत्री। आगामी पांच वर्ष मध्य भारत में 40 बिलियन डॉलर पुंजनिवेश मोदी को जनाई क्वालकम कंपानी सीईओ एथसहित नवेश भारत विश्वर सबुठ भल स्थान होता बैठक में मिलित भाव में कही सीईओ It's been a great place for invest in not only to invest directly but also to support other companies. For example, we have built a Qualcomm Design in India program that would today we help 77 startup companies in India design based on our technology. We have been investing with our venture, you know, fund in new India startups, and we think we have been very successful to date with all the investments we made in India. How do you look at Prime Minister Narendra Modi's leadership as far as boosting business and investment in India? I think the approach to drive economic growth and making India a destination for investment has been very successful, and we welcome that. संपर्क रे अधिक अपडेट पे हम सहित ऑनलाइन जोडी होइ छन हम प्रतिनिधि विकास स्वाई। विकास जो भली भाव आज विश्वर सबुठ पुराणा गणतंत्र एवं सबुठ बड़ गणतंत्र मुख्य आज एकाठी होती जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी भितर ये प्रथम साक्षात्कार होगाक जाऊँ जहाँकि ना केवल भारत आमेरिका सारा विश्व पाई ये गोटे बड़ निर्यास आणव एक कहुच्छ तो कु प्रसंग उभय नेता भितर आलोचन स्थान पाई देखो शक्ति जो भाव में आमेरिका को प्रधानमंत्री गस्त करते कोरोना महामारी काल में प्रधानमंत्री प्रथम थर पर एक विदेश गस्त कर प्रथम गस्त ही चूज कर आमेरिका को गस्त ऐतिहासिक कहु कारण यू पूरा भारत देखुचे विदेश निवेश आसव कारण आप देखिथे गत 24 घंटा भितर टॉप अमेरिकन सीईओ मान सहित प्रधानमंत्री आलोचना कर 40,000 अधिक बिलियन डॉलर एक बड़ पूंजी निवेश आशा करा सहित जो संस्था मान सहित आलोचना करतीश्रुति आग को भारत को टेक्नोलोजी हो कि अन्य कौन माध्यम बड़ सहयोग करेंगे ता सहित कमला हारिस सहित प्रधानमंत्री का आलोचना कर भारत और आमेरिका किभली जे एक पुरातन गणतंत्र राष्ट्र हिसाब से नेचुरल पार्टनर्स अच्छा से नहीं कि प्रधानमंत्री जोर देते जो भी भाव में प्रधानमंत्री एवं पूरा भारतीय प्रशासन जो टीम को स्वागत करागला अमेरिका से नहीं कि धन्यवाद जनई प्रधानमंत्री कमला हारिस को यह आग को भारत और अमेरिका मध्य जो संपर्क रही जो सप्लाई चेन रही अधिक त्वरान्वित अधिक फास्ट करा दुई देश मध्य संपर्क आहरी मजबूत हम कि सबुठ बड़ फोकस रही आज मीट को जो बाइडेन सहित प्रधानमंत्री जो मीट हम तापर अधिक फोकस रही कारण जो बाइडेन सहित प्रधानमंत्री प्रथम वन टू वन पर्सन टू पर्सन भेटघाट होगा जाऊँ बड़ फोकस रही अफगानिस्तान में तालिबान जो पावर रिशफल होती तालिबान हाथ को पावर जावाप चीन रो भूमिका रही चीन को केमी घेरा जापर एक रणनीति प्रस्तुत करवाड ग्रुप अच्छा जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और भारत एमाने मिसिकी केमती चीन को एवं अफगानिस्तान में नुआ संकट जो आसी तालिबान केमती टैकल करसत सबुठ बड़ संकट जो जो जहाँ अच्छी वर्तमान कोरोना महामारी सहित आपको केमी विश्व आग को फेस कर दिगरे भारत अमेरिका बड़ देश विश्वर कौन पदकेप नहीं पारे से नहीं कि पूरा विश्वर फोकस रही हुए तो ये नहीं कि बड़ चर्चा हो पारे शक्ति धन्यवाद विकास सूचना पाई। विकास स्वयं प्रतिनिधि जो भाव में सूचना दूसरे कि दुई नेता बैठक में सबुठ गुरुत्वपूर्ण जे क्वाड जो चारि देश रही भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान एवं सेमानंकर कमन एजेंडा हूँ जे चीन को किभली रोक जापर तार विस्तारवाद नीति को किभली प्रतिहत कर तो से दृष्टि किसी गुरुत्वपूर्ण आलोचना हो पारे और अफगानिस्तान पॉलिसी प्रसंगे कौन आलोचना है। द्वितीय कथा भारत अमेरिका द्विपाक्षिक संपर्क को अधिक मजबूत केमती करा से उपरे दुई नेता भितर आलोचना हे तो आलोचनार कौन निर्यास आसो ताक सारा विश्व अपेक्षा कर।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା ଆଣିକି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅକ୍ଷମ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଘରେ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯିବା ନେଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଘରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀତି ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ତଥା ସରକାରଙ୍କ ଟିକାକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଭିକେ ପଲ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦେଶର ମୋଟ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟାର 66% ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇସାରିଥିବା ବେଳେ 23% ଉଭୟ ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଥିବା ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 6 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇସାରିଛନ୍ତି। कि जो व्यक्ति जिनकी मोबिलिटी ऐसी है कि घर से बाहर लाके उनको टीका नहीं लग सकता, डिसेबिलिटी है, डिफरेंटली चैलेंज है, या कोई स्पेशल नीड्स है कि उनको हम सेंटर तक नहीं ले जा सकते, उनके लिए प्रावधान कर दिया गया है कि उनको हम घर में सुपरवाइज तरीके से एसओपी फॉलो करते हुए वैक्सीन लगाने का प्रावधान करेंगे। उसका ऑर्डर्स, उसकी एडवाइसरी इशू कर दी गई है। तो जो पीछे रह पा रहे हैं इस वजह से अब वो वजह भी हट जाएगी, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारे वैक्सीन सेफ हैं और हम घर तक जो व्यवस्था करेंगे वो इफेक्टिव होगी, सेफ होगी, नर्चरिंग होगी, सपोर्टिव होगी। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସୁଛି। ମୁଣ୍ଡୁଳିଠାରେ ମହାନଦୀ ପାଣିରେ ଫସି ରହିଛି ଏକ ଛୁଆ ହାତୀ। ଏଥିରେ ମା ହାତୀ ଛୁଆକୁ ନ ପାଇ ଗାଁରେ ପଶି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଛୁଆ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡୁଳିଠାରେ ମହାନଦୀ ପାଣିରେ ପଶିଛି ଏବଂ ସେପଟେ ମା ହାତୀ ଛୁଆକୁ ନ ପାଇ ଗାଁରେ ପଶି ଉତ୍ପାତ କରୁଛି। ଏ ଖବର ଆସୁଛି ମୁଣ୍ଡୁଳି ନିକଟରୁ। ତ ମହାନଦୀ ପାର ହୋଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହାତୀମାନେ ନଦୀ ପାଖରୁ ସେ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ନଦୀ ପୁରା ଭରିକି ରହିଛି, ସେପଟେ ହୀରାକୁଦରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଛୁଆ ହାତୀଟି ଫସି ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ମା ହାତୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏକୁଟିଆ ଛୁଆକୁ ନ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗାଁରେ ପଶିଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଛୁଆ ହାତୀଟିକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏବଂ ଛୁଆ ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ହୁଏତ ମା ହାତୀ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିପାରେ, ଅନ୍ୟଥା ମା ହାତୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ହାତୀଟି ପାଣି ଭିତରେ ଫସିକି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଇଏ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ। ସୁଶାନ୍ତ, ଛୁଆ ହାତୀଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଭିତରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଚନ୍ଦକର ଯେଉଁ ହାତୀ ପଲ ଆସିଛନ୍ତି, ହାତୀ ପଲରୁ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡଳିଠାରେ ଫସି ରହିଛି। ମୁଣ୍ଡଳିଠାରେ ଛୁଆ ହାତୀଟି ପ୍ରାୟ 2-3 ଗେଟ୍ କୁ ଦେଇ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ହାତୀଟି ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହାତୀଟି ଉଠିପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ମା ହାତୀ ଛୁଆ ହାତୀକୁ ନ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 6 ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରେ ବସି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ବନ ବିଭାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡଳି ଯାଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ୟାଜ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ କେବଳ ହାତୀକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନୀରବ ଦଶଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ତ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ ନା ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା, ହାତୀର ଜୀବନ ସଙ୍କଟରେ, ସେପଟେ ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟରେ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଯଦି କହିବା ବନ ବିଭାଗ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ ବନ ବିଭାଗକୁ, ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଏକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆସନ୍ତି ଏମାନେ ହାତୀଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ହାତୀଟି ଗଭୀର ଜଳ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଛୁଆ ହାତୀଟି ଏକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସ୍ରୋତ ତାକୁ ପେଲି ଦେଉଛି, ହାତୀର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ ରହିଛି। ଶକ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ହାତୀର ଜୀବନ ସଙ୍କଟରେ, ସେପଟେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବି ସଙ୍କଟରେ, କାରଣ ମା ହାତୀ ଉତ୍ପାତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି। ଖବର ଦିଆଯାଇଛି ବନ ବିଭାଗକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତ ଛୁଆ ହାତୀକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ମା ହାତୀ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ।
परवर्त खबर खोजा कोरापुट कोटिया पंचायत में पुणी आंध्रर दादागिरी गुरुवार कोटियार 21 गाँव में महिला समावेश कर आंध्र सरकारी सहायता बैंक ऋण जोगदे लोक प्रतिश्रुति प्रश्न उठू ओडिया जातीयतावाद कथा कहुवा बीजेडी सरकार तथापि कहीं नीरव कोरापुट जिला कोटिया पंचायत 21 ग्राम से गुरुवार दिन आंध्र सरकार पुणी देखाई दादागिरी एथर आंध्रर सरकारी अधिकारी ओडिशा माटीरे महिला समावेश करिसंती आंध्र सरकार को महिला विकास योजना रे कोटिया महिला को सरकारी सहायता और बैंक ऋण जोगाइ देबार प्रतिश्रुति मध्यम देइचंती कोरापुट जिला प्रशासन आंचलिक दल बीजेडी रो राज्य सरकार रो बड़पंडा मानंकु देखा पड़ुछि त दृश्य कोरापुट जिलापाल अब्दुल अख्तर सार्वजनिक भावे कहिले आंध्र पंचायत निर्वाचन ओडिशा सीमारे करिनै आंध्रे जिलापाल पूर्वर आंध्र ओडिशा रे जोर जबरदस्ती पंचायत निर्वाचन करुवा नहीं उच्चतम न्यायालय सत्यपाठ मध्यम अभियोग जिलापाल निज आभिमुख्य ओहरी जा कारण आंध्र प्रशासन होनी तो अधिक आक्रमणात्मक कि ये ओडिशार बॉर्डर भितर कौटि भी पोलिंग बूथ है नेरडी वालसारे गोटे बूथ करते से जोटा कि अलमोस्ट ओडिशा आंध्रा बॉर्डर उपर ही अच्छी बिकज एट आंसर वेड विलेज अच्छी से बॉर्डर लाइन टाइम क्लीयर ना अन्य जो फाटुसुनेरी और फागुसुनेरी गाँव को सेमाने जीपी डिक्लेयर करते सही से बूथ करें आमर प्रोटेस्ट थी से विषय आज परिणाम एवं आम देखी कि वोटिंग परसेंटेज इज लेस देन 14-15% पखापाखी हो जहाँ जदि आप कंपेयर करेंगे कोटिया ओडिशा तो पंचायत इलेक्शन जो होता 17 मसीह जोटि अप्रोक्सीमेटली 69% वोटिंग होता क्लियर है कि कोटियार लोक मानकर निष्ठा और अटैचमेंट आ आइडेंटिफिकेशन को साइड साथ अधिक अच्छे आम गोटे मानसिकता अच्छी जो सीमा जड़ के जाऊ खड़ी पानी जमी जल जंगल जी रोचे रो मात्र आम भुवनेश्वर थी आसन सुरक्षित रो प्रशासनिक दुर्बलता अणओिया प्रीति आज आम सीमा को लंघन कर सारे आम छाती ठिया से निर्वाचन निर्वाचन को सिद्ध घोषणा कला भांगी 1956 मसीह हरेकृष्ण महताब आरंभ कर नवीन बाबू पर्यंत जो जो मुख्यमंत्री मान राज्य नेतृत्व नहीं सीमा प्रति सचेत होना 22 तारीख बुधवार कोटिया स्कूल कमिटी गठन कर आंध्र प्रशासन 23 तारीख गुरुवार दिन महिला समावेश सीमा उपर अधिकार जाहिर कर बार्ता देनी तो आंध्र आंध्र अधिकारी ओडिशार सीमांत फाटुसिनेरी महिला समावेश कौन रही आंध्र सरकार को महिला मान जीवन जीविका योजना महिला मान उन्नति आंध्र योजना नहीं से सचेतनता योजना कौन कौन और से सरकारी सहायता और बैंक ऋण उभय जोगाइबापी कर आलोचना कोरापुट जिला प्रशासन क्योंटी जिलापा खबर अच्छी तो आंध्र मंत्री डॉक्टर अपल राजु आसी ओडिशा अफिसर को धमक दे स्कूल घर भांगिदे नाली आखि देखा ओडिशा अफिसर को बांधि ने आंध्र पुलिस को कोई थिले डीएसपी गारू यू हैड एवरी राइट टू डिटेन एवरीबॉडी हु इज क्रिएटिंग हैवक अ रकस हियर यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज आवर एरिया दिस इज आवर एरिया यू आर स्टैंडिंग इन माय एरिया यू आर स्टैंडिंग इन अंगनवाड़ी केंद्र मणिपुर सर आई विल डिमोलिश दिस बिल्डिंग ऑन द स्पॉट यू अंडरस्टैंड दैट आई विल डिमोलिश दिस बिल्डिंग ऑन द स्पॉट जय 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 इलेक्शन तो फाटू श्रेणी होदी जिलापाल सत कहते गोटे कथा हे तो जिलापाल खबर पाई से गाँटा ओडिशा सरकार आंध्र सरकार को छाड़ जदि स्टाटस को भांगी ना जदि से नुह तुम सुप्रीमकोर्ट जबार आवश्यकता कौन थी मुझे निजे बुझीपार ना जिलापाल महोदय जन दायित्व संपन्न अधिकारी जिलार मुख्य से तो केवे मिछ कही नथिबे जानी सुनिकरी ओडिशा सरकार को निरवता और निष्क्रियता आंध्र प्रशासन को आउ दीपद आगे जोगाउनी तो प्रोत्साहन सीमा सुरक्षा ओडिया स्वाभिमान प्रश्न ओडिशा आमर मातृभूमि केवल भौगोलिक अवस्थित नुहे ओडिया जातीयतावाद कथा कहुवा आंचलिक दल बीजेडी सरकार कहीं नहीं उठी प्रश्न जयपुर मनोज दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज।
आगामी चौबीस घंटा मध्य राज्य विभिन्न जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा रेकर्ड होइछि एवं केन्दुझर जिला तेलकोइरे सर्वाधिक 132 मिलीमीटर वर्षा होता पाणीपाग विभाग पक्ष सूचना मिली। म्यांमार उपकूल अंचल सक्रिय थिबा घूर्णिबळे उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी आज पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर रे लघुचाप रे परिणत होवार संभावना रही। यार प्रभाव में 26 और 27 तारीख में ओडिशार अधिकांश स्थान में वर्षा होने आकलन करछि पाणीपाग विभाग। किछ स्थान में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होने आशंका रही। 25 तारीख दिन 17 जिला को येलो वार्निंग जारी कर 26 और 27 तारीख में 14 जिला को वार्निंग जारी कर। आज दुदिनिया ओडिशा गस्तरे अछंती सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति एन भी रमन्ना आज संध्या भुवनेश्वर विमानबंदर पहुंचा पर पुरी जबार कार्यक्रम रही। पुरी रे रात्रि रहणी पर 25 तारीख सका श्रीमंदिर जाए श्रीजू को दर्शन करेंगे प्रधान विचारपति। गस्त समय विभिन्न जुडिशियाल कार्यक्रम में जोगदेवे प्रधान विचारपति एन भी रमन्ना। हाइकोर्ट परिसर में ओजेए अडिटोरियम और महात्मा गांधी प्रतिमूर्तिर उद्घाटन करिवार कार्यक्रम रही। 25 तारीख संध्या दिल्ली फेरीजे प्रधान विचारपति। गंजाम माटीर महक पहुंची विश्वस्तर से 1682 मसीह ब्रह्मपुर में पालित हो आसुवा कंढ़ई यात्रा कहानी को मिली अंतर्जातीय टूरिज्म सिने फेस्टिवल रे सम्मान। चारिटी वर्ग में कंढ़ई यात्रा शीर्षक यह डॉक्यूमेंटरी पुरस्कृत होगा पर सृष्टि होई खुशी माहौल। गंजाम माटीर महक को सारा विश्व में पहुंचाई युव निर्देशक सन्यासी महाराणा 300 वर्ष तलर नियारा एक परंपरा आधार में प्रस्तुत तांकर 17 मिनिट्र प्रामाणिक चलचित्र कंढ़ई यात्रा इंटरनेशनल टूरिज्म फिल्म अवार्ड पाई गोटे कि दुईटी नुहे चारि चारोटी वर्ग में चलचित्रटी पुरस्कृत होगा उत्साहित कराई पदक प्रमाणपत्र सहित खुशी जाहिर करिछंती। श्रेष्ठ निर्देशक सम्मान पाइथिबा सन्यासी महाराणा और श्रेष्ठ पोस्टर डिजाइनर टिकिरी बेहरा। आंतर्जातीय पर्यटन सिनेमा उत्सव में कंढ़ई यात्रा को जो स्वीकृति मिली ता लुप्त प्राय परंपरा को उज्जीवित प्रेरणा देथिबा उभय कहिछंती। आम जो देखलु आमर एठिकार ब्रह्मपुर जो समृद्ध ऐक्य परंपरा संस्कृति कला संपन्न सहर अच्छी ये किसी परंपरा लोप पाई सेमिति परंपरा भितर गोटे परंपरा होची कंढ़ई यात्रा जो परंपरा प्रतिवर्ष आषाढ़ मास पूर्णमी दिन ब्रह्मपुर सहर खासपा साई अंचल पालन करा जाए तेबे सही परंपरा को लेकिन आमर किसी स्थानीय बुद्धिजीवी एवं किसी गवेषक मत को लेकिन आम से प्रामाणिक चलचित्र करने प्रस्तुत हलु। 17 मिनट अवधि रही चलचित्र को जो आम इंटरनेशनल टूरिज्म फिल्म फेस्टिवल को पठाइलु सेठी फिल्म टी चारोटी कैटेगोरी रे आज अवार्ड पाई। यही फिल्म रे मु पोस्टर डिजाइनिंग करथिली मते बहुत खुशी लागछि जे आमर ब्रह्मपुर गोटे कला जाइरी आंतर्जातीय स्तर रे स्थान पाइला एवं सेही फिल्म रे मु पोस्टर रे द्वितीय स्थान अधिकार करछि मते बहुत खुशी लागछि एवं ब्रह्मपुर एते पुरातन कला को आमे आंतर्जातीय स्तर रे प्रेजेंट करि परछु सेहिथिबे मु बहुत खुशी एवं एथिरे मु पुरस्कृत होइथिबार मु बहुत बहुत खुशी एवं आमर अनुष्ठान को एवं सन्यासी भाई को मु बहुत बहुत धन्यवाद जणाउछि। रेशमी सहर ब्रह्मपुर दक्षिण ओडिशार आर्थिक सांस्कृतिक प्राणकेन्द्र सड़क उपरे माटी कंढेर पसरा पड़ी मुंड हलाउथवा घोड़ा हाथी हरिण मुर्ग ठारु कालिया ठाकुर जगन्नाथ जाए नाना प्रकार कंढेई सजड़ा जाइछि। ग्राहक माने खोजी खोजी किणी नेउछंती कंढेई एबळी भावे पालित हेउछि कंढेई यात्रार परंपरा। राज्यरु माटी काठ ओ गबर कंढेई हजी हजी जाउथवा बेले कंढेई काल को उज्जीवित रखिबा पई तयारी होईछि नियारा एही यात्रा। जिला रही कंढेई यात्रा परंपरा 300 वर्ष पुरणा महुरी राजा हरिहर नरेन्द्र देवंक अमलरु ब्रह्मपुर सहरर खापा साहिरे प्रतिवर्ष आषाढ़ पूर्णिमा तिथि रे एहा पालित होइथाय। साहिर बहु पुरातन जगन्नाथ मंदिरर प्राचीनता परि कंढेई यात्रा मध्य पुरणा बोली कहंती नाट्यकार त्रिपति नायक। सामाजिक जीवनरु कंढेईर परंपरा हजी हजी जाउथबा बेले एभळी एक यात्रार कहानी को नहीं प्रामाणिक चलचित्र प्रस्तुत हेबा और सम्मानित हेबा गर्व और गौरवर कथा बोली कहिछंती त्रिपति। मु बस बहुत खुशी जे एही माटीर कथा को विदेश माटीरे जाइ पहुँचे पारा आउ ए माटीर स्वाद केमिति ए माटीर गंध केमिति जाउ विदेश माटी आज जानी पारा या द्वारा आमर माटी कंढेई एवं विभिन्न प्रकार कंढेई बिक्री हो पार यहाँ कारीगर आउ कलाकार माने बंची पारे जा हूँ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଛି ଆଉ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଆମର ଏଠାରେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ବିଦେଶ ମାଟି ଜାଣିପାରିଛି ଆଉ ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ନମସ୍କାର ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୁସି ଯାହା ହଉ ଏହି ମାଟିର କଥାକୁ ବିଦେଶ ମାଟି ଜାଣିପାରିଲା ଆଉ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିଲା। ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ଓ ଏହାକୁ ଗଢ଼ୁଥିବା କାରିଗରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏହି ଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା। 300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଚିତ୍ର ରୂପ ଦେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଗଞ୍ଜାମର ସୌରଭକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।